गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? नया साल शुरू हो गया, रूटीन तो वही है। और अभी मैं जा रहा हूँ गुड़गांव में बहुत सारा काम है मुझे, और काम भी ऐसा मतलब तो पैरेलली चलते रहता है, बहुत ज़्यादा काम है। आज तो शायद मतलब इतना सारा काम होगा मैं क्या बताऊँ। और मौसम भी बहुत ठंड है, अभी 11 डिग्री टेम्परेचर बता रहे हैं, तो आपको अपडेट कर दिया मैं। दिल्ली में इतना मतलब रहता है जनरली ठंड की, तो मतलब क्या बताएं, यहाँ पे इतना मतलब कॉमन है 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक कितनी ठंड रहेगी। तो गाइज एक चीज़ है, न्यू ईयर पे अब सब कुछ तो पुराना ही रहेगा, बस आपके गोल चेंज हो जाएंगे। तो जैसा आपने सोचा होगा अपना करना अच्छे से, और नए साल में मस्त सब कुछ बीते, अच्छा से रहे, और क्या बता सकते हैं इसको। अभी मैं जाऊंगा गुड़गांव जाऊंगा, वहाँ पे काम है मेरे को दिन में। अच्छा, कोई आज मीटिंग तो है नहीं वैसे मेरी, तो देखेंगे कोई अगर सड़े ने ऐसे कुछ प्लान बन गया तो बन गया, नहीं तो ऐसे कोई है नहीं। और इनफैक्ट मेरा कहना क्या है कि देखो, जैसा आपका प्लान हो वैसा ही काम होना चाहिए। अगर सडन कोई प्लान बनता है तो या तो उसको एक्सटेंड करो, नहीं तो क्या इमरजेंसी आ जाए तो फिर उसको अटेंड करना पड़ता है। तो चलिए अभी रास्ते में आपको अपडेट करते हैं। इस मौसम का क्या हाल हो रखा है, अभी भी धूप नहीं निकली है, हल्की धूप मतलब अभी निकलने को हो रही है, बट धुंध भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें देख लो गाड़ियों का काफ़िला, इतना ट्रैफिक, ये हर दिन का रूटीन है यहाँ पे। अभी न्यू ईयर ख़त्म हो गया तो अब ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो जाएगा। और गाइस सबसे बड़ी बात, जब से मैं इस रास्ते से आता जाता हूँ मुझे टाइम पता है कितने बजे से कितने बजे यहाँ पर ट्रैफिक रहती है, तो मैं जनरली उसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, बट हो नहीं पाता। देख लो गाइस कितनी धुंध, और इस रास्ते का मज़ा ही कुछ और है ड्राइव करने का। और आज देखो सबकी गाड़ियों की लाइट ऑन है, देख रहे हो राइट साइड में इतनी धुंध है इस रास्ते पे, और इसमें ये भाई लोग जा रहे हैं मस्त, क्या करें ऐसा ही मौसम है यहाँ पे तो अभी। और लग रहा है कि शिमला में आ गए। तो गाइस अभी निकला हूँ मैं, यहाँ से निकल रहा हूँ, सब पैकअप कर लिया है, सामान रख लिया है गाड़ी में, अरे लाइट चली गई, तो बस गाड़ी स्टार्ट कर लिया है और निकलेंगे अब घर के लिए। तो रास्ते में आपको अपडेट करेंगे। तो गाइस बस अब देख लो, अब धुंध इतनी है बाहर दिखाई नहीं दे रही, एकदम बहुत ज़्यादा धुंध है, और इसी में मुझे ड्राइव ही करना है, तो मैं तो ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर नहीं रहा, धीरे ही करना चाहिए, मैं तो नहीं करता जनरली। विंटर में मैं अगर फॉग हो तो फिर मैं बहुत स्लो ड्राइव, उतना मतलब अनएक्सपेक्टेड मतलब उतना ना फास्ट ना मीडियम में ड्राइव करता हूँ मैं, जो लिमिट है उससे भी कम। और गाइस यही होना चाहिए क्योंकि धुंध में दिखाई नहीं देता, आज बहुत धुंध है, मतलब इतनी धुंध है मैं आपको दिखाऊं तो आप सोचोगे कि क्या है ये, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे पीछे की वीडियो देख लेना सेम लोकेशन की, आपको पता चलेगा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा धुंध है, मतलब एकदम दिखाई नहीं दे रहा रास्ते में, मतलब विजिबिलिटी जो है ना वो एकदम कम है। और पता नहीं आज ऐसा क्यों हो गया, और इसका मतलब कल बहुत ठंड होने वाली है, और इतनी ठंड तो क्या बताएं रियली। और इसमें भी देखो एक काम भी चल रहा है ना इस अंडरपास में, देखो ये मैं नेटवर्क लिखा हुआ है तो यहाँ काम भी चल रहा है, और ये देखो धुंध मतलब आपको पता चल रहा होगा। और ये भाई साहब को एकदम पता नहीं क्या है, आगे पीछे रहता है, ऐसे लोग ड्राइव करते हैं इस समय धुंध में भी, जबकि गाड़ी इनकी नहीं है, बट फिर भी पता नहीं क्या है। तो गाइस मतलब मौसम ख़राब है सब मिला जुला के, एक ही बात बता सकता हूँ मैं। और आज तो ये हुआ कि मैं निकला यहाँ से, और दिन भर मतलब बहुत ज़्यादा बिजी था, न्यू ईयर में तो हो ही जाता है इतना, तो इस शेड्यूल से बाहर मतलब अभी नहीं आ पाऊँगा, बहुत टाइट शेड्यूल है मेरा। तो गाइस क्या है कि अगर आप केयरफुल होकर ड्राइव नहीं करो फॉग में तो दिक्कत होती है,
और गाइस क्या प्लान है मेरा कि अब आज तो कहीं जा नहीं पाया, मुझे कल जाना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी भी फ्री होना पड़ेगा। पता नहीं कैसे, इतना काम है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। काम भी ख़त्म करना है, फिर हर चीज़ का भी मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, दिक्कत तो बहुत है। काम करते रहना, मतलब जो प्लान काम है वो हो नहीं पा रहा है। एक और काम है मेरा पैरेलल जो करना है मुझे, तो उसको क्लोज करेंगे कैसे भी, तो दिक्कत तो है। देखते हैं कैसे होती है ये सब चीज़ें बहुत। और गाइस आपका न्यू ईयर कैसे बीता आप कमेंट करके बताओ। गाड़ी आगे चला रहे हैं और ये हटाएंगे नहीं, एकदम सामने ही चलाएंगे, क्योंकि मतलब होती है ना किसी किसी की आदत फर्स्ट लेन में बाइक चलाने की। देखो गाइस धुंध बहुत ज़्यादा आज धुंध है। और गाइस एक चीज़ है कि जब दिल्ली में और गुड़गांव में मतलब न्यू ईयर आता है तो ठंड बहुत ज़्यादा, इधर NCR में हर जगह ठंड का क्या बताऊँ मैं, मतलब इतना रहेगा कि आप अप टू 15th जन तो रहेगा ही रहेगा। और गाइस आप लोग नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि जो चीज़ मतलब भाई सॉरी, ये तो पता नहीं क्या है बहुत ज़्यादा, और ये सब पता नहीं दीवार पे कौन ऐड लगाता है इतने सारे, बताओ। ये देखो आप लोग ऐसे लोग, पता नहीं दीवार पे तो ऐड लगाना मना है और फिर भी लोग लगाते हैं, पता नहीं कैसे लगा देते हैं। तो एक ऐड वालों को ही पता होगा क्या करना है इसको, तो क्या क्या लिखा रहता है पढ़ भी नहीं पाओगे, इतने सारे ऐड लिख देते हैं सब। कोई कुछ हर किसी का अपना अपना ये ऐड है, तो जिसको जो मन करता आता है प्रिंट करके चला जाता है। गाइस घर आ गए, हाथ मुंह धो लिए, और ठंड आज बहुत ज़्यादा है, और ये लड़का हीटर के पास बैठा हुआ है, बहुत बदमाशी कर रहा है। हीटर के पास बैठ के क्या कर रहे हो तुम, क्या आई दिखा दिखाओ दिखाओ, तुमको दिखाएं हैं, आजा तुमको दिखाते हैं, आ जाओ तुमको दिखाते हैं, आओ दिखा दो, बताओ अब दिखा दिए, क्या कुछ कहना है बताओ। अरे बाबू इधर देखो, इधर देखो, हल्ला हो रहा है, देखो कितना हल्ला कर रहा है, तो बोल दो सर को यार खाना खा ले, और खाना इधर देखो, इधर बदमाशी नहीं, अभी बदमाशी मत करो तुम, पहले अभी हम लोग क्या करेंगे पता है, खाना खाएंगे। खाना बन गया है बताओ, खाना बन गया है, अरे अरे वाह खाना बन गया है, तो चलो खाना खाते हैं। अरे इधर देखो बेटा, इधर देख, खाना बना है या नहीं बना पहले बताओ, खाना बना है पहले बताओ, बोल दो तो क्या हुआ, मम्मी खाना लाने गई है, गई है मम्मी खाना लाने, बताओ। बस खाना भी खा लिए, और अब सारा काम तो हो गया है, तो होप करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।